1, 2, 3, 4. रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और भी बहुत कुछ मेरे प्यारे दोस्तों, अंकल, आंटियों, एक बार फिर से हम आ गए आपके पास भारत एक मौज का एक और एपिसोड लेके। पिछले एपिसोड से लेके अब तक जितनी भी मौजें हुई हैं या जितनी कम से कम मेरे को लगी हैं कि ये मौजदार बात है, वो सब लेके मैं आपके पास आ गया हूँ इस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। तो अभी पिछले दिनों इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज खत्म हुई है इंग्लैंड में, जिसको इंग्लैंड 4-1 से जीता है। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता, दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता और तीसरा इंडिया जीता बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और बहुत कम ऐसा होता है इंग्लैंड में कोई टीम दो टेस्ट मैच हारने के बाद फिर से एक जीत दर्ज करती है, इंडिया ने वो करा। जीत का मजा किरकिरा कर दिया इंडियन टीम के कोच रवि शास्त्री जी ने। प्लेयर्स भी सोच रहे होंगे कि ये भाई ऐसा क्यों बोलते हैं वहाँ पर जाके। क्या क्या बोला उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा सुनिए। बिकॉज वी डोंट प्ले द ओपोनेंट, वी प्ले द पिच, यू नो आवर जॉब इज टू कॉन्कर द पिच। Wherever we go, so it could be Bombay, it could be Delhi, it could be London, it could be Johannesburg. It is 22 yards that we have to try and conquer. If you look at the last 3 years, we won 9 matches overseas and 3 series. Okay, I can't see any other Indian team in the last 15-20 years who've had that kind of run in such a short time. हम पिच को कंक्वर करने के लिए खेलते हैं। ये पहली बार मैं किसी स्पोर्ट्समैन से सुन रहा हूँ कि वो फील्ड से खेल रहा है, ओपोनेंट से नहीं खेल रहा है, ओपोनेंट डजंट मैटर, वो इररिलेवेंट है। उन्होंने ये बोल दिया था रवि शास्त्री जी ने कि 15 साल में इससे बढ़िया टीम किसी ने टोर ही नहीं किया है, जिससे हमारे सौरव गांगुली साहब थोड़ा बुरा मान गए थे ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी टीम को लेकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह टेस्ट मैच जीते हैं। तो रवि शास्त्री कुछ ज़्यादा ही छोड़ गए इस मामले में, लेकिन छोड़ने का ज़माना है। तो छोड़ने के लिए, जुमलेबाजी के लिए खाली रवि शास्त्री को ही क्यों ब्लेम करें, आजकल जुमलेबाजी का ज़माना है। लोग जितनी लंबी लंबी छोड़ते हैं उतनी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें होती है, उतना ज़्यादा उनको महान समझा जाता है। और पिछले 2-3 साल की सबसे लंबी छुड़ी हुई चीज़ थी डीमोनेटाइजेशन। काले धन और जाली कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। अब डीमोनेटाइजेशन तो हो गया, आरबीआई की रिपोर्ट भी आ गई कि 98% से ज़्यादा करेंसी जो है वापस बैंक के पास आ चुकी है। अब आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया है, चलो मैं बाकियों की बात नहीं करता, मुझसे ज़्यादा वाइज लोग हैं, मुझे तो कम से कम ये समझ में नहीं आया और जितने लोगों से मैंने बात करी उनको ये समझ में नहीं आया कि डीमोनेटाइजेशन का मकसद क्या था। पहले कहीं और शुरू हुआ, फिर कहीं और पहुँचा, फिर कहीं और पहुँचा, फिर कहीं और पहुँचा, और अभी भी अगर आप कुछ ट्वीट्स पढ़े, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो उसमें अभी भी लोग ब्लैक मनी का जुमला देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे कि ये ट्वीट पढ़िए, शुरू करते हैं अपना ट्वीट, बाय द वे डॉट डॉट, आई एम एन ऑर्डिनरी बीकॉम बट आई ब्रीद मार्केट्स। ये सांस भी मार्केट के साथ ही लेते हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, ये मार्केट लेते हैं। दिस डीमोनेटाइजेशन हैज़ मैसेकर्ड ब्लैक मनी पावर टू एन एक्सटेंट दैट माई मेमोरी कैन नॉट रिकॉल। सर, आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छा फंक्शन करती अगर आप मार्केट की जगह ऑक्सीजन ब्रीथ करते, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि आप ऑक्सीजन तो ले नहीं रहे हो, तो आप दिमाग कुछ भी बोल सकता है। 25 साल में आपके दिमाग ने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो आई एम नॉट सरप्राइज। अगला ट्वीट देखते हैं। ये साहब कह रहे हैं, अ ग्रैंड सक्सेस इज बींग मिस इंटरप्रेटेड, पर्पज ऑफ सच एक्सरसाइज इज दैट स्टैश्ड ब्लैक मनीज कम इन इकोनॉमी, टैक्स्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी रिड्यूस्ड इन इकोनॉमी। उसके बाद तो रिजल्टेंट्स, हाउसेज रेट्स ड्रॉप्ड बाय 30%, अ बून फॉर कंट्री। मैंने कौन से घर हैं भाई, किसके घर हैं जो 30% जिनकी कीमत गिरी है। हाँ, मैं जानता हूँ एक्सप्रेसवेज के ऊपर जो डीएलएफ ने और इधर उधर के बिल्डर ने, आम्रपाली वगैरह ने जो फ्लैट्स बनाए थे, उन सब की कीमत गिर गई है। लेकिन मेरे भाई, कितने लोग हिंदुस्तान में हैं जो इन फ्लैट्स को खरीदने की औकात रखते हैं। आप कह रहे हो अ बून फॉर कंट्रीमैन। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है जिसमें ये बताया गया है कि सन 2013-14 से लेके सन 2017-18 तक
जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है। तो इसमें दिखा रहे हैं, सारी फिगर्स तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें दिखा रहे हैं 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ और 2017-18 में 10.03 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ। तो ये बता रहे हैं ये डिमोनेटाइजेशन का पर्पस था। तो भाई ये आप ये मेरे को पहले दिन ही बता देते कि डिमोनेटाइजेशन का ये पर्पस है, पहले दिन तो आप मेरे को कुछ और झुंझुना दे रहे थे कि इससे ब्लैक मनी आएगा, पहले दिन बताते कि हम डायरेक्ट टैक्स की ये फिगर लेके आएंगे। वैसे ये फिगर कैसे निकाली गई है ये फॉर्मूला कोई नहीं बताता है। जिस वक्त जो डिमोनेटाइजेशन के आर्किटेक्ट्स डिमोनेटाइजेशन को जन्म दे रहे थे उस वक्त उनको भी नहीं शायद पता था कि ये हो जाएगा, अगर पता होता तो हमें बता देते। तो एक और ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो ANI ने ट्वीट किया है, अरुण जेटली जी का ट्वीट है, तो काफ़ी डेकोरेटेड सा ट्वीट है, काफ़ी साजो श्रृंगार से युक्त है, तो उसको ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट वी विल हैव अ ग्रोथ रेट हायर देन व्हाट ही हैड प्रोजेक्टेड अर्लियर दिस ईयर इन द बजट, द इन्फ्लेशन इज ब्रॉडली अंडर कंट्रोल। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, द इन्फ्लेशन इज ब्रॉडली अंडर कंट्रोल। तो ब्रॉडली अंडर कंट्रोल का क्या मतलब होता है, क्योंकि नैरोली कंट्रोल करना कुछ और होता है, ब्रॉडली कंट्रोल करना कुछ और होता है। पेट्रोल की सेंचुरी होने वाली है और रुपए की भी सेंचुरी होने वाली है और ये कह रहे हैं कि ब्रॉडली अंडर कंट्रोल है। मुझे नहीं पता ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म देख के मुझे रवि शास्त्री की याद आ जाती है कि वही छाती ठोकना, वही जुमले फेंकना, वही वादे करना कि आगे ये हो जाएगा, आगे हम वर्ल्ड कंक्वर कर लेंगे, आगे हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाएंगे। तो बिल्कुल वही है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, उसके बाद उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात करी थी जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का रिवाज नहीं है कि किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये किया जाए। तो वो शायद उन्होंने मजाक में बोल दिया होगा बाकी सारी चीजों की जगह। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। वो 50 दिन के अब कितने दिन हो गए ये मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, वेरी अनलाइक ऑल द फार्मूलाज जो ये यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स दिखाने के लिए और ये GDP ग्रोथ दिखाने के लिए। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। मेरी बिल्डिंग में एक अंकल रहते हैं जो पिछले 2 साल से डिमोनेटाइजेशन के गुण गाए जा रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, किया है तो कुछ अच्छा ही होगा आगे से। हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। अब मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी अब तो ये RBI की भी रिपोर्ट आ गई, तो वो बेचारे भीगी बिल्ली सा मुंह निकाल के कहते हैं यार आइडिया तो अच्छा था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन खराब। अभी 3-4 दिन पहले वो मेरे से अपने बच्चे के बारे में रो रहे थे, मतलब मेरे से उनका दिल खोल के बात करने का मन करता है क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, सब मेरे से बात करते हैं। वो मेरे से कह रहे थे कि यार हमने इतने अरमानों के साथ ये बेटा पैदा किया था, आज ये 22 साल का हो गया, ना बाप की सुनता है ना माँ की सुनता है। तो मैंने कहा अंकल जी आइडिया अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन खराब। नहीं नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। सो एक नए किस्म की डिक्शनरी जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है और उस डिक्शनरी में नई वोकैबुलरी है और बहुत सारे वर्ड्स तो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे आपने सुना होगा लिब्रांडू, सिकुलर, प्रेस्टिट्यूट। अब उस डिक्शनरी में एक नया वर्ड एंटर हुआ है यू अल्फ़ाबेट के नीचे जिसको कहते हैं अर्बन नक्सल। अब अर्बन नक्सल क्या है, बेसिकली जो मेरे को समझ में आया कि जिसके दाढ़ी है वो तो डेफिनेटली अर्बन नक्सल है, जो दाढ़ी रखता है जो भी मर्द, ठीक है चाहे वो कुछ भी बोले। दूसरा ये कि कोई भी अगर आपसे एग्री नहीं कर रहा है तो आप फटाफट बोल दो उसको कि तू अर्बन नक्सल है। मान लो आप सब्ज़ी खरीदने गए और सब्ज़ी वाला बेचारा गरीब आदमी आपसे भाव मोल भाव कर रहा है टमाटर को लेके और आप उससे एग्री नहीं कर रहे हो, तो आप इमीडिएटली उसको अर्बन नक्सल कह सकते हो और एक ईमेल डाल सकते हो विवेक अग्निहोत्री जी को कि जी यहाँ पे मेरा वास्ता पड़ा एक अर्बन नक्सल के साथ और विवेक अग्निहोत्री जी अपनी सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ आपके इस इल्ज़ाम को भी एड्रेस करेंगे और बताएंगे किस तरह से आपके मोहल्ले में आपका सब्जी वाला अर्बन नक्सल है क्योंकि वो आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जी का कहना है फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। तो इसी किस्म से अर्बन नक्सल नाम का एक लेजेंड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हमारी वोकैबुलरी के अंदर। देखते हैं लोग अर्बन नक्सल के बारे में क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं।
जरा पढ़ते हैं कुछ ट्वीट्स उनमें से। तो ये पहला ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है, लेफ्ट विंग टेररिज्म इज अमंग द बिगेस्ट किलर्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज, बट लुक एट द नंबर ऑफ कांग्रेस कौमी इकोसिस्टम टाइप्स। ये कांग्रेस कौमी इकोसिस्टम क्या होता है? या तो आप कांग्रेसी हो या फिर आप कौमी हो। कांग्रेस कौमी क्या होता है ये महोदय ही बता सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं कांग्रेस कौमी क्या है। कि जहां तक मेरे को पता है, मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, हाँ मैंने भी गलती करी थी पढ़ने की, मैं भी किताबें पढ़ता था, जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कांग्रेस कौमी नाम की कोई चीज़ मुझे तो वास्ता नहीं पड़ा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है, ये बोल रहे हैं कि बिहाइंड नक्सल मूवमेंट इज वेटिकन स्पॉन्सर्ड इविल प्लान ऑफ कन्वर्जन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुइज्म एंड इंडिया बाय ब्रेकिंग इट इनटू पीसेस। मतलब वेटिकन के पास कोई और काम नहीं है, वो वहाँ पे बैठ के ये प्लान बना रहे हैं कि इंडिया में किस तरीके से कन्वर्जन करा के और नक्सलाइट मूवमेंट में इन्वॉल्व होकर उनको पैसा देके किस तरीके से वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कराते हैं ताकि हिंदुओं का सर्वनाश हो जाए। मतलब कहाँ से लाते हो आप ये थ्योरीज यार? ये प्लीज़ अगर आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हैं तो रामगोपाल वर्मा आजकल खाली बैठा हुआ है, उसको ये आइडियाज़ पकड़ा दो, वो शायद इसके ऊपर कोई फिल्म बना दे। तो ट्वीट्स तो मैंने आपको पढ़ के दिखा दिए, सुना दिए और उनके बारे में चर्चा भी कर ली थोड़ी सी, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, सब लोगों के पास तो एक्सेस है नहीं सोशल मीडिया का, ट्विटर का, ना सबके अकाउंट है। तो हमने सोचा जरा सड़क पे जाके आम लोगों से बातें कर लेते हैं कि उनका इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, तो जरा सुनते हैं। भाइयों बहनों, ये शहरी आतंकवाद है। तो ये साहब अब बोल रहे हैं कि अर्बन नक्सल होता है शहरी आतंकवाद। तो मेरे ख्याल से ये पहली बार ये टेररिज्म के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि जितना भी टेररिज्म जो 21वीं सेंचुरी में या लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी में हुआ है, ज़्यादातर वो अर्बन टेररिज्म ही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मेरी शक्ल देख के तो आप नहीं बता सकते कि मैं आतंकवादी हूँ। भाई किसी की भी शक्ल देख के नहीं बताया जा सकता कि वो आतंकवादी है, तो आपको ऐसी नई बात नहीं कह रहे हो। ऐसा नहीं है कोई माथे पे लिख के आता है कि मैं आतंकवादी हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पहचान लो, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं है। अंकल जी आपके माथे पे भी नहीं लिखा हुआ, मेरे माथे पे भी नहीं लिखा हुआ, तो कोई नहीं बता सकता कौन टेररिस्ट है यार। आप बड़े बड़े टेररिस्ट की शक्लें देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, इतने मासूम नजर आते हैं वो। अगर शक्ल से कोई टेररिस्ट लगने लग जाता तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया टेररिस्ट है। आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डिसेंट, लाइक इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग इट्स नॉट बिकॉज यू आर लाइक it's a crime against your country, it's a crime against someone's privacy or something like that. If you're criticizing something, you are criticizing for them to think about it, to look over it and to maybe come up with something which is better. And I think that's why I'm an urban Naxal, because I don't like what I see around me, and I read and I talk, and I'm urban Naxal. To dekha aapne, kehti hai I read एंड आई टॉक एंड आई डिसेंट, ये डेफिनेटली अर्बन नक्सल है। इसको पकड़ो, अरेस्ट करो, जेल में ठूसो। ये बाहर क्या कर रही है घूमते हुए? एग्जैक्टली हाउ डू आई स्टेट अबाउट द अर्बन नक्सलाइज्ड? बस या बट एज ऑफ नाउ और एज ऑफ माई एकेडमिक स्टडीज आई हैव व्हाट आई हैव लर्नड व्हाट आई हैव स्टडीड एंड व्हाट आई हैव मींस गॉन थ्रू इन द इंटरनेट एंड इन द न्यूज इज देयर आर लॉट्स ऑफ अर्बन नक्सलाइज्ड व्हिच आर हिडन between us as they are living as a simple life, but yes, when they feel that something is not done good or in a right manner for them, so they just come up and they just kind of take revenge from the politicians or for doing these kind of wars. Most of our civilians and our army will be, you know, penalized for that. So these are the things which is happening around the urban Naxals. Dekha aapne, ye keh rahe hain there are a lot of अर्बन नक्सल लिविंग बिटवीन अस हिडन, लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, बट वेन एवर दे सी समथिंग रॉन्ग दे कम एंड टेक रिवेंज। तो इन्होंने देखे हैं वो कितनी भारी भरकम बात करी है, मेरा वजन बढ़ गया। फैन फॉलोइंग है ना हमारे यहाँ, जैसे स्पोर्ट्स सचिन की फैन फॉलोइंग है, वो जीरो पे भी आउट हो गया या ख़राब भी खेल रहा है तो हम जस्टिफाई करेंगे उसे कि कुछ हो गया, ख़राब हो गया, कुछ दूसरा अच्छा खेल रहा है और सचिन ने उस इनिंग में परफॉर्म नहीं किया, मतलब उसके बैट में स्प्रिंग लगी होगी या उसने कुछ और किया होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन अगर तुम किसी के फ़ैन हो तो फिर उसको उसके हर एक्शन को जस्टिफाई करोगे ही ना, वही हो रहा है अभी। सचिन की बुराई कर रहा है, डेफिनेटली अर्बन नक्सल, ऊपर से दाढ़ी भी है, पकड़ो छोड़ो मत, प्लान बना रहे हैं कुछ।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी का सवाल है ना। वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो जितने एक्टिविटीज से इन लोगों का प्लानिंग था वो सारा लेटर्स मिला है, सारा चीज़ सब जो इनके जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, रॉ के लोग हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। इस पर तो कार्रवाई क्या हो रहा है? एक प्रधानमंत्री की जानलेवा हमला की बात हो, उस पर ऑल ओवर इंडिया में चर्चा का विषय बना हुआ हो, इस पर आप ये कर रहे हैं कि नहीं वो जानबूझ के ऐसा किया है, प्राइम मिनिस्टर का लेटर पकड़ाया गया हो, इस पर तो ज़्यादा कमेंट करना आप हमें उचित नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का सवाल है, इस पर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता। अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो यार कि आपके कमेंट करने से प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा पे प्रॉब्लम हो जाएगी? आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो ना। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी वो क्यों दिखा रहे हो बेमतलब में कि मैं नहीं दूंगा इसके बारे में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं नहीं, आपके कोने से नहीं होगी। और आप कह रहे हो कि सबूत मिले हैं, ये मिला है, वो मिला है। तो भैया वो सबूत मिले हैं तो पहले तो जिनको मिले उन्होंने ही नहीं दिखाए, उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि भैया किताबें मिली हैं, इसीलिए तो कोर्ट ने फिर बोल दिया उनको कि भैया लेके आओ प्रूफ। मैं को पढ़ता हूँ, मैं मार्क्स को पढ़ूँ, मैं किसी को पढ़ूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब में पढ़ूँ तो मेरे को कोई कैसे पकड़ेगा? ये तो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, मैं कुछ भी पढ़ूँ। अरे बेसिक फंडामेंटल राइट अगर कोई जानता तो वो जानता, पढ़ने लिखने के लिए किसने मना किया? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मना करता है पढ़ने लिखने के लिए? मैं कुछ भी पढ़ूँ, मुझे कौन रोक सकता है? तो ये तो अजीब बात लग रही है कि आपने मार्क्स को पढ़ रहे हैं। मैं मास्क को पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ मास्क को। मुझे बंद कर दो, मुझे बंद करेंगे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहली तो ये है, तो ये ट्वीट हुआ है बीजेपी लाइव से, बोहरा समाज के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है, पता है। ये ANI का ट्वीट है, ट्वीट में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश, पोस्टर्स एंड कटआउट्स ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी एंड अदर पार्टी लीडर्स सीन इन भोपाल अहेड ऑफ हिज रोड शो इन द सिटी टुडे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, मेरे हो सकता है मेरे को देखने में गलती लग रही हो लेकिन मुझे ये फोटोशॉप लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से कहीं तस्वीरें मिला मिला के ये बनाया है। कम से कम बीजेपी वाली जो फोटो थी जब मोदी जी बोहरा मुसलमानों से मिल रहे थे वो फोटोशॉप तो नहीं था? बीजेपी अपना सारा फोटोशॉप प्रोग्राम कर चुकी है, अपना वो एग्जॉस्ट हो गए, थक गए हैं। कांग्रेस ने अभी भी फोटोशॉप करना शुरू किया है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हो कह रहा है जो मोदी जी जा रहे हैं मुसलमानों से मिलने, राहुल गांधी जी जा रहे हैं शिवलिंग पे दूध पानी जो भी चढ़ा रहे हैं, और मोहन भागवत जी ने अभी अभी कमेंट दिया है कि हिंदुत्व, ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता जिसमें मुसलमान इंक्लूडेड ना हो। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि ये हो क्या रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खा जा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा और आपका फिर से उल्लू बन रहा है? क्योंकि हमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कौन किस साइड है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, बार बार उल्लू बनने में कुछ नहीं रखा हुआ है, एक बार उल्लू बन गए काफ़ी है, बार बार नहीं बनना। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज का एपिसोड। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको बहुत सारी मौजों से ओवरवेलम कर दिया है, मगर मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई रोल योगदान है नहीं। इतना कुछ होता रहता है और मेरे को आपसे रूबरू होने का मौका बहुत कम मिल पाता है, तो सब कुछ मैं इकट्ठा भरने की कोशिश करता हूं। आई होप यू हैव एन्जॉयड इट, और कुछ आपको सोचने पे मैंने मजबूर करा हो और कुछ लिखने पे मजबूर करा हो। गाली भी देनी है तो खुल के दो यार, नीचे कमेंट सेक्शन है उस पर लिखो। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट इज़ स्टिल अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सबे सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।